नमस्कार सभी जी में स्वागत है। एक्सेल के एक्टिव विंडो के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से आज की वीडियो में जानेंगे। इससे पहले टाइटल बार के बारे में बता चुके हैं, आज की इस वीडियो में टाइटल बार को छोड़कर हर कुछ देखने वाले हैं, चाहे वो स्टेटस बार हो, चाहे वो फॉर्मूला बार हो, वर्किंग एरिया हो, सारे कुछ के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो होते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये टैब होते हैं और इन टैब पर क्लिक करते हैं तो ये जो खुल कर आता है ग्रुप, ये दिखते हैं नीचे में, यहाँ फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, और इसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं इनको कमांड बोला जाता है। अगर ड्रॉप डाउन ऐसे दिख रहे हैं इसका मतलब है कि उस कमांड का ड्रॉप डाउन मेन्यू है। अब टैब के बाद बात करते हैं तो यहाँ पर आता है टेल मी। टेल मी का होता है अल्ट क्यू, जहाँ से कमांड आप सर्च कर सकते हैं। अल्ट क्यू करते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ से कोई कमांड सर्च कर सकते हैं। अगर टेबल इंसर्ट कराना है तो टेबल सर्च करते हैं, या कुछ भी काम करना हो तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं इजीली। देखिए ये जो रिबन है, रिबन के राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर एक एरो अप दिख रहा है, इसे कंट्रोल F1 से कमांड किया जा सकता है, जिसका काम होता है कोलेप्स करना, रिबन को कोलेप्स करता है। कंट्रोल F1 करते हैं, कंट्रोल F1 तो देखिए कोलेप्स हो गया रिबन, फिर से कंट्रोल F1 करते हैं ये आ जाएगा। तो ये तब किया जाता है जब वर्किंग एरिया हमें एक्स्ट्रा चाहते हैं। अब देखिए रिबन के ठीक नीचे जो निहित होता है, रिबन के ठीक नीचे वो होता है नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का बॉक्स आता है यहाँ पर, तो फॉर्मूला बार जो होता है, फॉर्मूला बार में क्या होता है, कंटेंट लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। जिस एक्टिव सेल में रहेंगे उसमें अगर टाइपिंग करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर दिखता है फॉर्मूला बार बॉक्स में। और फॉर्मूला बार बॉक्स जो है इसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट फंक्शन रहता है और ये रहता है इंटर और एक रहता है कैंसिल। ये तीन बटन होते हैं, कैंसिल का, इंटर का और इंसर्ट फंक्शन का। तो ये याद रखेंगे कौन कौन से बटन निहित होते हैं। अब देखिए बात करते हैं ये नेम बॉक्स, तो नेम बॉक्स को समझने से पहले हमें वर्किंग एरिया समझना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स के ठीक नीचे हम लोगों का ये ABCD करके आ रहा है, इसे हम बोलते हैं कि ये कॉलम है, ये कॉलम है। और रो को हम लोग हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिया रहता है, ये हेडिंग एक तरह से है। रो के लिए हेडिंग इस्तेमाल होता है, 1 से लेकर ऐसे जाता है और ABCD करके ऐसे बढ़ता है कॉलम के लिए। देखिए ये हेडिंग को हटा सकते हैं, वो व्यू से जाकर यहाँ पर मिल जाएगा आपको हेडिंग, हेडिंग से हटा सकते हैं हेडिंग और हेडिंग लगा सकते हैं व्यू टैब से। और पेज लेआउट से भी ये काम कर सकते हैं। पेज लेआउट जो टैब होता है उसमें जाते हैं तो सीट ऑप्शन एक ग्रुप है जिसमें हेडिंग का एक व्यू ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो हेडिंग हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, दो जगह से ये हटाया जा सकता है, पेज लेआउट टैब से और व्यू टैब से। तो देखिए जो ये है नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स बताता है किस सेल में है, B4 बी कॉलम में है, 4 रो में है। नामकरण करना चाहे तो किसी एक सेल का नामकरण कर सकते हैं या फिर पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके आप उसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे A1 में है, A1 का नाम बदलना है इसका तो नाम बदल सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं राजू, इंटर कर लेंगे, सिर्फ नाम लिखकर इंटर कर लेंगे तो इसका नाम चेंज हो चुका है। अब A1 पर आएंगे तो इसका नाम राजू लिखेगा, A1 नहीं। और B1 को कर देते हैं राज, तो दोनों का नामकरण हो चुका है। अगर इसमें एंट्री कर लेते हैं 5, इसमें कर लेते हैं 2 और दोनों को यहाँ जोड़ना चाह रहे हो तो हम लोग इक्वल टू करके सम करेंगे तो यहाँ नंबर 1 के जगह पर कर देंगे राज, राजू, देखेंगे दोनों को जोड़कर दे दिया वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग नामकरण कर सकते हैं, ये एरिया को कर सकते हैं, जैसे इस एरिया को सिलेक्ट कर लिए, बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इसका नामकरण करना है तो हम लिख देते हैं रेंज, एंटर कर लेते हैं और इसमें एंट्री का काम कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, इन सबको जोड़ना है या कुछ भी करना है तो वो क्या करेंगे कि फॉर्मूला डाल के जब इसको सेलेक्ट करने की बात आएगी तो सेलेक्ट ना करके नाम कॉल कर सकते हैं। इसका नाम रखे थे रेंज, रेंज ले लेंगे, इंटर कर लेंगे, ऐसे कॉल किया जा सकता है। नामकरण करे रहेंगे तो उस नाम को पुकारा जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग स्टेटस बार के ठीक ऊपर क्या होता है। तो देखिए स्टेटस बार के ठीक ऊपर जो होता है वो सीट होता है, सीट होता है और एक होता है स्क्रोल बटन जिससे इधर उधर लिए जा सकते हैं। किधर ले जाते हैं, लेफ्ट की साइड या फिर राइट की साइड ले जा सकते हैं। सीट इंसर्ट कराना हो तो यहाँ प्लस का सिंबल दिया गया है जहाँ से आप सीट ले सकते हैं। बात सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि राइट साइड में इंसर्ट होता है सीट। अगर ये सीट है इसको हम पकड़ के इसको स्टार्टिंग मिला देते हैं। देखिए 4 यहाँ पर है, अब इंसर्ट कराएंगे तो इंसर्ट होगा 4 के ठीक
बाद। अगर 5 लास्ट वाला है 5 को कहीं भी पकड़ के आप रख सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 5 के बाद ही इंसर्ट होगा, इंसर्ट कराते हैं। तो इस तरह से अगर चाहते हैं कि स्विच करें, इन सब सीट पर स्विच हो, हम सीट 6 पर है, 1 पर आना चाहते हैं 4 पर, तो उसके लिए पेज अप पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल के साथ में, पेज अप पेज डाउन इस तरह से। अगर चाहते हैं नया सीट इंसर्ट करें उसका शॉर्टकट से, तो उसके लिए आता है शिफ्ट F11, फंक्शन की F11, देखेंगे सीट इंसर्ट हो रहा है। और मैक्सिमम सीट कहता है कितना इंसर्ट करा सकते हैं, तो देखिए मैक्सिमम 255 ऑप्शन मिल जाए तो 255 टिक कर देंगे, लेकिन 255 से अधिक इंसर्ट कराए जा सकते हैं। जैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर इंसर्ट कराया जाता है सीट शिफ्ट और F11 से, तो शिफ्ट को प्रेस कर रहेंगे, F11 को प्रेस कर रहेंगे, सीट अपने आप इंसर्ट होता रहेगा, और वेट कर लेंगे जब तक कि इंसर्ट ना हो जाए, 255 से प्लस ना चला जाए। तो देखेंगे 255 से हम लोगों का ऊपर चला गया है। तो आप ये मैक्सिमम इंसर्ट करा सकते हैं नंबर, इसका लिमिट नहीं है। 255 अगर ऑप्शन मिलता है तो 255 टिक कर देंगे, सिस्टम पर डिपेंड करता है कि कितना इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्टेटस बार की। तो स्टेटस बार में क्या होता है, देखिए स्टेटस बार में लेफ्ट साइड में रेडी लिखा हुआ आता है पहले से ही, इन रेडी मोड। देखिए रेडी कब आता है, जब एक्सेल कंप्लीट वर्क कर लेता है, कोई काम अधूरा नहीं रहता है। जैसे एंट्री का काम करेंगे तो इंटर लिख के आता है कि आप एंट्री वाले मोड में है, अगर इंटर कर लेते तो काम कंप्लीट होता है, रेडी लिख कर आ जाएगा। और एक और शब्द यहाँ पर लिखा हुआ आता है, जहाँ रेडी लिख रहा है लेफ्ट साइड में नीचे में स्टेटस बार में, यहाँ पर पॉइंट लिख कर आता है। पॉइंट तब आता है जब कोई फॉर्मूला एंट्री कर रहे होंगे और पॉइंट आउट करते हैं कि ये रेंज चाहिए, पॉइंट आउट करते हैं तो पॉइंट लिखकर इस तरह से आता है, पॉइंट मोड आता है। तो कितने मोड आते हैं स्टेटस, 3 मोड आते हैं, एक आता है पॉइंट मोड, रीड मोड, और एक आता है इंटर मोड, 3 ही मोड आते हैं। अब बात करेंगे स्टेटस बार के ही राइट साइड में, तो राइट साइड में जो होता है वो होता है जूम इन 100%, जूम आउट, और उसके बाद व्यू के कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू, उसके बाद पेज लेआउट व्यू, और एक होते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये 3 ही व्यू के ऑप्शन होते हैं, और ये होते हैं जूम इन जूम आउट के। तो ये जो है तीनों व्यू के ऑप्शन है, जो व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, यही तीनों व्यू स्टेटस बार में दिखाई देते हैं। स्टेटस बार में और भी कुछ दिखते हैं, वो क्या दिखते हैं, अगर डाटा एंट्री का काम करे रहेंगे तो देखिए ये जो डाटा है, अगर इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं तो स्टेटस बार में रिफ्लेक्ट होता है 3 चीज, इसको याद रखेंगे, एवरेज, काउंट, सम। ये बताता है कि कितना एवरेज हुआ इस सिलेक्टेड एरिया में, नंबर है उसके एवरेज क्या होंगे, सिलेक्टेड एरिया में जो काउंट है कितना काउंट हुआ है, कितने जगह पर एंट्री करे हैं, और सम है, सम बताता है कि कितना इनको जोड़ने पर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, एवरेज का या फिर सम या फिर काउंट, फॉर्मूला से इक्वल टू एवरेज और नंबर दे देंगे, यानी कि रेंज दे देंगे और इंटर कर लेंगे। और सम के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू सम लिखते हैं और रेंज दे देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। और काउंट के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू कर लेंगे और लिख लेंगे काउंट, और उसके बाद वैल्यू दे देंगे जो सिलेक्टेड है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे सेम चीज़ स्टेटस बार में दिख रहा है, एवरेज जो यहाँ दिखाई दे रहा है, काउंट जो 32 है, सम जो 174 है। देखिए एक्सेल में आगे की वीडियो में समझेंगे बाकी की चीज़ें। अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा, इंटरफेस बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर देंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो यानी कि टाइटल बार के बारे में नहीं जाने हैं तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था, उसको देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।